हम डिस्कस कर रहे हैं द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 2008 एंड विद द लेटेस्ट अमेंडमेंट ऑफ 2021. तो ये जो हम सीरीज डिस्कस कर रहे हैं डीजेएस के लिए, सॉरी फॉर द लेट लेक्चर, मैं लास्ट दो दिन से लेक्चर अपलोड नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ सम फैमिली इशूज़, बट आज मैं लेकर आई हूँ एंड जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे कि आज एक एक दिन में मैं दो दो लेक्चर ट्राई करूँगी कि अपलोड कर दूँ. तो ऑलरेडी मैंने तीन लेक्चर अपलोड कर दिया, तो दिस इज़ द फोर्थ लेक्चर. तो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम स्टार्ट करते हैं. हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 तक कंप्लीट कर दिया था, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 से, जो कि बात कर रहा है पार्टनर्स एंड देयर रिलेशन. तो उस पार्टनर्स और उसके रिलेशन के बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है. तो सबसे पहला सेक्शन जो है सेक्शन नंबर 22, वो बोलता है एलिजिबिलिटी टू बी अ पार्टनर. एक पार्टनर बनने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपके क्या क्या फुलफिल करने चाहिए, कौन से क्राइटेरिया फुलफिल करने चाहिए कि आप पार्टनर बन सकते हो. तो जब भी इनकॉर्पोरेट होता है ना कोई LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तो वो पर्सन जिसने सब्सक्राइब किया है अपना नेम उस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में, वो पार्टनर बन जाएगा, जैसे कि कंपनी में होता है. सो दिस इज़ अ फीचर ऑफ कंपनी विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन LLP ऑल्सो. सो जब भी इनकॉर्पोरेशन के टाइम में इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में जिस भी पर्सन का नाम सब्सक्राइब किया होगा वो सबसे पहले पार्टनर होंगे. दूसरे कौन होंगे, एनी अदर पर्सन मे बिकम अ पार्टनर ऑफ LLP बाय इन अकॉर्डिंग विद द LLP अग्रीमेंट. यानी कि उन पर्सन के एडिशन में जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, वैसे पर्सन जिनका नाम अग्रीमेंट में होता है LLP अग्रीमेंट में, ठीक है, तो वो पर्सन भी जो है आपके क्या बन सकते हैं, पार्टनर. इग्नोर करिएगा राइटिंग को, मीनिंग समझना है आपको. तो ये सेक्शन नंबर 22 बोल रहा है. सेक्शन नंबर 23 जो बात कर रहा है, ये रिलेशनशिप के बारे में बात करना है पार्टनर्स का. तो क्या बोल रहा है, अदरवाइज अगर एक्ट में कुछ प्रोवाइडेड है तो फिर हम उसको देख लेंगे, अगर नहीं है तो जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ होते हैं ना पार्टनर के, किसी LLP में जो पार्टनर्स होते हैं उनके जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ होते हैं, और जो म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटी होते हैं LLP के और उसके पार्टनर के, वो गवर्न होते हैं LLP अग्रीमेंट से. तो एकदम सिंपल सी चीज़ दी है कि जो भी रिलेशनशिप है वो LLP अग्रीमेंट से ही जो है आपको डिटरमाइन करना है कि इनमें क्या रिलेशनशिप है, ठीक है. और फिर क्या बोल रहा है, और ये रिलेशनशिप किसके बारे में बोल रहा है, ये LLP एंड इट्स पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा है, या दो पार्टनर के रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा है, ठीक है. ये कैसे रेगुलेट होगा, LLP अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग रेगुलेट होगा. फिर जो इसका सबसेक्शन 2 है, ये बोल रहा है कि LLP अग्रीमेंट जो है अगर उसमें कोई चेंज करना होता है ना, तो फिर उसको जो है रजिस्ट्रार को भी सबमिट करेंगे वो चेंज उस मैनर और फॉर्मेट में और उस फीस के साथ जो भी प्रिस्क्राइब की गई है, चेंज भी आप कर सकते. फिर सबसेक्शन 3 बोल रहा है कि कोई अग्रीमेंट राइटिंग में है इनकॉर्पोरेशन से पहले, जब LLP इनकॉर्पोरेट हुआ था उससे पहले ही अग्रीमेंट में राइटिंग में, ठीक है, और वो किसके बीच में, बिटवीन पर्सन जिसने सब्सक्राइब किया है, क्योंकि अभी पार्टनर बने नहीं क्योंकि LLP इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है, जिसने अपना नाम सब्सक्राइब किया है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में, वो क्या कर सकता है, इम्पोज कर सकता है कुछ ऑब्लिगेशन LLP पे भी, प्रोवाइडेड क्या बोल रहा है कि वैसा अग्रीमेंट रेटिफाई होना चाहिए सारे पार्टनर के बाद आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन. यानी कि इनकॉर्पोरेशन से पहले भी जो पर्सन जिसने सब्सक्राइब किया है ना, वो कुछ ऑब्लिगेशन डाल सकता है LLP के ऊपर, लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या है, जब आपका इनकॉर्पोरेट हो गया LLP तो रेटिफिकेशन करना ज़रूरी है सारे पार्टनर के द्वारा, ठीक है, जैसे हम कंपनी में करते हैं, ठीक है. कंपनी का जब एग्जिस्टेंस नहीं है तो भी जो पर्संस जो कंपनी में सब्सक्राइब कर रहे होते हैं वो पर्सन के पास ये सब राइट है. तो ये सारे फीचर्स जो है हमने कंपनी से लिए हैं, ठीक है. सबसेक्शन 4 बोल रहा है अगर कोई अग्रीमेंट ही नहीं हुआ है तो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो है ना पार्टनर के, वो कैसे डिसाइड होंगे. तो जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ है LLP के और उसके पार्टनर के, वो डिटरमाइन होंगे फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से, फर्स्ट शेड्यूल में जो प्रोविजंस दिए हैं उसके हिसाब से होंगे. अगर अग्रीमेंट है तो अग्रीमेंट प्रिवेल करेगा, नहीं है तो फर्स्ट शेड्यूल में हमें जाना है, ठीक है. ये हो गया सेक्शन नंबर 23. अब सेक्शन नंबर 24 बोल रहा है सीजेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट, ठीक है. इंटरेस्ट खत्म होने पे क्या होगा, तो कोई पर्सन है जो पार्टनर था लेकिन अब वो पार्टनर नहीं है, सीज टू बी अ पार्टनर हो गया किसी LLP का अग्रीमेंट के अकॉर्डेंस में, ठीक है. और जो अदर पार्टनर है ना, अगर वहाँ कोई अग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, ऐसे सीजेशन पे क्या करना है. अगर अग्रीमेंट है तब तो जिस अग्रीमेंट में जो मैनर है सीजेशन का वो फॉलो करेंगे. अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है, अब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट है विथ अदर पार्टनर एज अ सीजेशन बींग अ पार्टनर,
तो उस जगह पे सीजेशन के टाइम में क्या होगा, नोटिस देना पड़ेगा राइटिंग में, और मिनिमम 30 दिन का वो नोटिस देना पड़ेगा अदर पार्टनर का कि वो जो पर्सन है ना उसका इंटेंशन है रिज़ाइन करने का एज अ पार्टनर। तो मिनिमम 30 दिन की नोटिस है, 30 दिन की, और ये नोटिस जो है रिटन होनी चाहिए, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। देन सबसेक्शन 2 बोल रहा है कि कोई पर्सन जो है सीज हो जाएगा पार्टनर, LLP मतलब पार्टनर ख़त्म हो जाएगा कब, अगर डेथ हो गई है या डिसोल्यूशन हो गया LLP का, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि अगर वो अनसाउंड माइंड डिक्लेयर हो गया कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा, और तीसरी चीज़ है अगर वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट एडजस्ट हो गया है या डिक्लेयर हो गया कि वो पर्सन क्या है, इंसॉल्वेंट है, तो वैसे केस में क्या होगा, वो सीज टू बी ए पार्टनर हो जाएगा, यानी कि उसकी पार्टनरशिप इस LLP में ख़त्म हो जाएगी। किन 3 केसेस में, अगर डेथ हो जाती है, अगर वो अनसाउंड माइंड डिक्लेयर हो जाता है, और या वो इंसॉल्वेंट एडजस्ट हो जाता है या कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है, तो वो क्या हो जाएगा, वो पार्टनरशिप का उस LLP का पार्टनर वो नहीं रहेगा। फिर जो है सबसेक्शन 3 बोल रहा है कि कोई पर्सन अगर सीज हो गया ना पार्टनर बनने से LLP के, तो फिर क्या होगा, मतलब वैसे पार्टनर को जो ऑलरेडी सीज हो गया उसको फॉर्मर पार्टनर हम यहाँ बोलेंगे, और वैसा फॉर्मर पार्टनर जो है ना इज़ टू बी रिगार्डेड इन रिलेशन टू बी एनी पर्सन डीलिंग विद द LLP एज स्टिल बींग अ पार्टनर ऑफ LLP पर्सन अनलेस, ठीक है। अब वो पर्सन जो है फॉर्मर पार्टनर हो गया, यानी कि अब वो सीज हो गया पार्टनर बनने से, अब पार्टनर वो नहीं है, लेकिन वो स्टिल लाइबल होगा कुछ कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग, उसकी लाइबिलिटी रहेगी, ठीक है, स्टिल लाइबल एज अ पार्टनर ऑफ LLP अनलेस क्या बोल रहे हैं, कब नहीं रहेगा, अ पर्सन हैज नोटिस द फॉर्मर पार्टनर हैज सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ LLP, यानी कि अदर पार्टनर को नोटिस है कि जो फॉर्मर पार्टनर है वो अब पार्टनर नहीं रह गया है LLP का, तो उस केस में उसकी लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं पता होगा तो उस केस में उसकी लाइबिलिटी कंटिन्यू रहेगी। दूसरा क्या बोल रहा है, अगर कोई नोटिस है कि फॉर्मर पार्टनर जो है ना वो सीज हो गया है पार्टनर बनने से LLP का, और वो रजिस्ट्रार को डिलीवर कर दिया गया, तो भी उस जगह पे लाइबिलिटी नहीं बनेगी, अदरवाइज ऐसा नहीं किया गया तो बनेगी। फिर 4 में बोल रहा है कि पार्टनर का सीजेशन हो गया LLP से डज नॉट इट्सेल्फ डिस्चार्ज अ पार्टनर फ्रॉम एनी ऑब्लिगेशन ऑफ LLP और अदर पार्टनर और एनी अदर पर्सन विच ही अनकर्ड वाइल बींग अ पार्टनर। तो कोई पार्टनर जो है जो LLP का पार्टनर नहीं है, पहले था, फॉर्मर पार्टनर है, ठीक है, वो खुद से उसकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं हो जाएगी एज अ पार्टनर। किस चीज़ की लाइबिलिटी, कोई भी ऑब्लिगेशन की लाइबिलिटी जो LLP पे होती है या किसी अदर पार्टनर पे होती है या किसी अदर पर्सन पे होती है जो कि उसने इनकर की है जब वो एक पार्टनर था, ठीक है, तो ये इट्सेल्फ डिस्चार्ज नहीं हो जाएगी कोई भी ऑब्लिगेशन LLP की, ठीक है। फिर जो है सबसेक्शन 5 बोल रहा है कि कोई पार्टनर LLP का वो सीज हो गया पार्टनर का, तो अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन LLP अग्रीमेंट द फॉर्मर पार्टनर और अ पर्सन इंटाइटल्ड टू हिज शेयर इन कंसिक्वेंस ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ द फॉर्मर पार्टनर शैल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम LLP। अब अगर अग्रीमेंट में इसके रिगार्डिंग कुछ मेंशन है कि अगर डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है किसी फॉर्मर पार्टनर की, तो क्या होगा उस केस में, तो फिर उस अकॉर्डिंग अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो है हम डील हो जाएगा वो। बट अगर कुछ अग्रीमेंट नहीं है इस बिहाफ में तो क्या होगा, तो वैसे फॉर्मर पार्टनर या पर्सन जो इंटाइटल है किसी शेयर के इन केस ऑफ डेथ या इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी फॉर्मर पार्टनर की, तो वो रिसीव करेंगे LLP से, यानी कि उस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर से वो रिसीव करेंगे, क्या करेंगे, एन अमाउंट इक्वल टू द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉर्मर पार्टनर, यानी कि जितना फॉर्मर पार्टनर ने एट द टाइम ऑफ एंटरिंग जितना कॉन्ट्रीब्यूट किया था या बाद में भी जितना कॉन्ट्रीब्यूट किया था ना उस LLP में, वो उसको वापस मिल जाएगा। दूसरा क्या, उसका जो भी शेयर था, राइट्स था शेयर में, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था LLP में जब वो डिक्लेयर, और उसमें जितने भी लॉस अक्यूमुलेट हुए हैं उसको डिडक्ट करने के बाद वो सारी चीज़ें जो है वो जिस दिन तक वो पार्टनर था वो सारी चीज़ें उसको लौटा दी जाएगी, ठीक है। फिर जो है वो मतलब उसको मिल जाएगा, यानी कि उसकी डेथ हो गई तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिल जाएगा, और अदरवाइज इंसॉल्वेंसी के केस में उसको ही मिल जाएगा। देन सबसेक्शन 6 हमें कह रहा है कि कोई फॉर्मर पार्टनर है या कोई पर्सन है जो इंटाइटल है अपने शेयर का इन कंसिक्वेंसेज ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी, ठीक है, फॉर्मर पार्टनर का, तो क्या उसका शैल नॉट हैव एन अ राइट टू इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट ऑफ LLP। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अब फॉर्मर पार्टनर हो, आप जो है अब पार्टनर नहीं हो उस LLP, आप सीज टू बी अ पार्टनर हो, तो जो है आप इंटरफेयर नहीं कर सकते उस LLP के मैनेजमेंट में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन था, सेक्शन नंबर 24, तो ध्यान से सुनिएगा, अगर समझ में नहीं आए तो बैक जाके आप फिर से एक बार सुन सकते हैं।
सेक्शन नंबर 25 पे आता है, ये बात कर रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर्स। अब कोई चेंज आता है पार्टनर के कंपोजिशन में तो फिर उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो जितने भी पार्टनर हैं ना वो इन्फॉर्म करेंगी एलएलपी को अगर कोई भी चेंज आता है। किस चीज़ में चेंज आ रहा है? नेम में चेंज आ रहा है या एड्रेस में चेंज आ रहा है। वो इस चीज़ को जो इन्फॉर्म करना होगा विद इन 15 डेज ऑफ दिस चेंज, जब भी चेंज होगा उसके 15 दिन के अंदर अंदर ये इन्फॉर्म करना होगा उस चीज़ को, ठीक है। और वो किसको इन्फॉर्म करना होगा? एलएलपी को। पार्टनर इन्फॉर्म करेगा एलएलपी को, ठीक है। दूसरा सबसेक्शन में बोल रहा है कि कोई एलएलपी है वो शैल वेयर अ पर्सन बिकम और सीज टू बी अ पार्टनर फाइल अ नोटिस विद रजिस्टर विद इन 30 डेज फ्र�म डेट ही बिकम और सीज टू बिकम अ पार्टनर और व्हेन देयर इज अ चेंज इन नेम और एड्रेस टू द पार्टनर फाइल टू द नोटिस टू रजिस्टर विद इन 30 डे ऑफ सच चेंज। अब देखिए सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में क्या डिफरेंस। सबसेक्शन 1 में बोल रहा है कि जितने भी पार्टनर हैं ना वो नेम या एड्रेस चेंज होने पे ये एलएलपी को इन्फॉर्म करेंगे और वहाँ टाइम लिमिट दी गई है 15 डेज के अंदर अंदर इन्फॉर्म करेंगे। सबसेक्शन 2 में दे रखा है कि कोई एलएलपी है वो क्या करेगा, उसको जब ये इन्फॉर्मेशन मिला कि कोई पार्टनर जो है अब सीज टू बी पार्टनर हो गया, पार्टनर नहीं है, तो वो ये चीज़ जो है कम्युनिकेट करेगा रजिस्ट्रार को। कितने दिन के अंदर अंदर करेगा? 30 दिन के अंदर अंदर। यानी कि पार्टनर जब कर रहा है एलएलपी को इन्फॉर्म तो 15 दिन का टाइम दिया गया है, और जब पार्टनर जो है वो सॉरी जब एलएलपी जो है वो रजिस्ट्रार को कर रहा है तो यहाँ 30 दिन का टाइम दिया गया है। तो यहाँ सीज टू बी अ पार्टनर का इन्फॉर्मेशन हो या नाम चेंज करने का या एड्रेस चेंज करने का इन्फॉर्मेशन हो, हर चीज़ में एलएलपी को 30 दिन का समय दिया गया कि वो रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करे। ये सबसेक्शन 2 हो गया हमारा। सबसेक्शन 3 बोल रहा है कि कोई नोटिस फाइल की गई रजिस्ट्रार के अंदर, सबसेक्शन 2 के अंदर रजिस्ट्रार को नोटिस फाइल की गई है वो वैसे फॉर्म में होगी और वैसे फीस होगी उसके साथ अटैच जो कि प्रिस्क्राइब की गई है, और वो डेजिग्नेटेड पार्टनर के द्वारा साइन भी की जानी चाहिए, ठीक है। एलएलपी के जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे उनको साइन करना होगा उस ऑथेंटिकेटेड मैनर में जिसमें प्रिस्क्राइब किया गया है। फिर जो है थर्ड जो रिक्वायरमेंट है वो बोल रहा है अगर ये इनकमिंग पार्टनर से रिलेटेड है ना, इनकमिंग पार्टनर वैसे पार्टनर होता है जो न्यू बनने वाला है पार्टनर, तो उसमें कंटेन होगा एक स्टेटमेंट उस पार्टनर का भी और उस जिसमें उसके कंसेंट के बारे में होगा कि वो पार्टनर बनने को तैयार है, वो कंसेंट दे रहा है, उस सिग्नेचर करना चाहिए और उसको ऑथेंटिकेट करना होगा उस मैनर में जो भी दिया गया है, ठीक है। फिर आता है हमारा सबसेक्शन नंबर 4 जो भी बोल रहा है कि अगर कोई एलएलपी है उसने कॉन्ट्रावीन कर दिया सबसेक्शन 2 के प्रोविज़न को तो क्या होगा, तो वैसे एलएलपी जो है और जितने भी डेजिग्नेटेड पार्टनर एलएलपी के उनको पनिशमेंट मिलेगी और पनिशेबल वो कितने के होंगे, वो फाइन के लिए होंगे एंड दिस फाइन कंसिस्ट ऑफ 2,000 रुपीज़ एंड विच में एक्सटेंड टू 25,000 रुपीज़, यानी कि 2K से लेके 25K तक फाइन दिया गया है अगर सबसेक्शन 2 को फॉलो नहीं किया हो तो, ठीक है। तो जितने भी डेजिग्नेटेड पार्टनर की यहाँ पे लाइबिलिटी दी गई है और एलएलपी की लाइबिलिटी दी गई है 2,000 से 25,000। फिर सबसेक्शन 5 बोल रहा है कि अगर कोई पार्टनर कॉन्ट्रावीन करता है सबसेक्शन 1 के प्रोविज़न को तो वैसे पार्टनर को पनिशमेंट मिलेगी 2,000 रुपये और 25,000 रुपीज़ तक अगर सबसेक्शन 2 का कॉन्ट्रावेंशन हुआ है। सो सबसेक्शन 4 में बोल रहा है उसमें एलएलपी और डेजिग्नेटेड पार्टनर दोनों लाइबल होंगे 2,000 से लेकर 25,000 जो भी कोर्ट को अप्रोप्रिएट लगता है। सबसेक्शन 5 में बोल रहा है अगर सबसेक्शन 1 का कॉन्ट्रावेंशन किया तो भी पनिशमेंट है आपको, वो क्या है, और यहाँ पे पनिशमेंट जो है एलएलपी के रिगार्डिंग नहीं है, यहाँ पार्टनर के रिगार्डिंग है क्योंकि उसने कॉन्ट्रावीन किया है फर्स्ट सेक्शन 1 के प्रोविज़न को, तो यहाँ पे 2,000 से 25,000 तक, ठीक है। फिर है सबसेक्शन 6 जो बोल रहा है अगर कोई पर्सन सीज टू बी अ पार्टनर हो जाता है एलएलपी का तो वो खुद से फाइल करेगा रजिस्ट्रार के सामने नोटिस जो भी रेफ़र की गई है सबसेक्शन 3 में, और अगर उसके पास रीजनेबल कॉज है बिलीव करने का कि कोई एलएलपी जो है वो नोटिस नहीं फाइल करेगा रजिस्ट्रार के पास, और वैसे केस में जिसमें वैसे नोटिस को फाइल किया गया है पार्टनर के द्वारा, तो रजिस्ट्रार ऑप्टेन करेगा एक कन्फर्मेशन इस अफेक्ट में, इसके रिगार्डिंग एक कन्फर्मेशन जो है लेगा एलएलपी से, अनलेस क्या बोल रहा है कि वैसा एलएलपी जो है एक नोटिस फाइल करे, वैसा एलएलपी भी एक नोटिस फाइल कर दे सेम, ठीक है। तो कोई पार्टनर जो है सीज टू बी अ पार्टनर हो गया एलएलपी का, वो खुद से फाइल कर सकता है रजिस्ट्रार को नोटिस जो कि सबसेक्शन 3 में रेफर किया गया है, तो वैसा पार्टनर जो है वो खुद से नोटिस दे देगा सबसेक्शन 3 के अंदर, रीजनेबल नोटिस देगा अगर उसको लगता है उसके पास रीजनेबल नोटिस है
कि एलएलपी ने फाइल नहीं किया है, अगर पार्टनर को पता है कि एलएलपी ने रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म नहीं किया, उसको पता है, तो उसकी भी ड्यूटी है कि वो इन्फॉर्म कर दे रजिस्ट्रार को खुद से, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, अगर पार्टनर एंड इन केस ऑफ एनी सच नोटिस फाइल बाय पार्टनर, तो रजिस्ट्रार को भी एक कन्फर्मेशन इस इफेक्ट में एलएलपी को देना होगा कि आपने तो नहीं बताया बट पार्टनर ने मुझे बता दिया, तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है इस चीज़ की, ठीक है। ये कन्फर्मेशन जो है एलएलपी को वो दे देगा। देन प्रोवाइजो बोल रहा है कि अगर कोई कन्फर्मेशन दिया जाता है एलएलपी को 15 दिन के अंदर अंदर, नो कन्फर्मेशन, सॉरी, अगर कोई कन्फर्मेशन नहीं दिया जाता है एलएलपी को 15 दिन के अंदर अंदर, तो रजिस्ट्रार जो है रजिस्टर कर देगा नोटिस मेड बाय अ पर्सन सीजिंग टू बी अ पार्टनर अंडर दिस सेक्शन। अब जिस दिन से रजिस्ट्रार ने वो दिया, एक नोटिस दिया कि एलएलपी को कि हमारे पास जो है आप के पार्टनर के द्वारा ये नोटिस मिली है हमें कि वो सीज टू बी अ पार्टनर हो गया, तो आप एक कन्फर्मेशन जो है हमें दे दो, जो कि अभी बोला उन्होंने नोटिस में देकर। तो कन्फर्मेशन में जब अगर 15 दिन बीत गए उस रिक्वेस्ट से और उन्होंने कोई कन्फर्मेशन नहीं दिया, तो मान लिया जाएगा कि उन्होंने कन्फर्म कर दिया है और वो पब्लिश कर देंगे उसका नाम कि वो सीज टू बी अ पार्टनर हो गया है। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 4 यहाँ हमारा कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 5 बात कर रहा है एक्सटेंट एंड लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड पार्टनर। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। तो चैप्टर नंबर 5 में सबसे पहला सेक्शन है 26, जो कि बात कर रहा है पार्टनर जो होंगे एजेंट होंगे, पार्टनर एज एजेंट। तो एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी इज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ एलएलपी द एजेंट ऑफ एलएलपी बट नॉट ईच अदर्स। अब ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो एलएलपी में पार्टनर्स होते हैं वो पार्टनर जो है वो एजेंट होते हैं एलएलपी फर्म के, लेकिन जो है वो एक दूसरे के एजेंट नहीं होते, यानी कि यहाँ म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती है जो कि पार्टनरशिप में होती है। जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर हम देखते हैं उसमें म्यूचुअल एजेंसी होती है, यानी कि ईच पार्टनर भी एक दूसरे के एजेंट होते हैं, बट एलएलपी में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये हमें सेक्शन नंबर 26 बता रहा है। देन सेक्शन नंबर 27 बता रहा है एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब हमें पता है कि एलएलपी को इसीलिए लाया जाता है कि अपनी लायबिलिटी लिमिटेड कर ले जो कि पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं होती है। तो एक्सटेंट क्या होगा लायबिलिटी का, अब हम लिमिट तो कर रहे हैं लेकिन एक्सटेंट क्या होगा। तो कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है ना, वो बाउंड नहीं होगा बाय एनीथिंग। तो बोल रहा है ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग डन बाय पार्टनर इन डीलिंग विथ अ पर्सन इफ। तो कोई एलएलपी है वो बाउंड नहीं होगा किसी भी चीज़ से जो पार्टनर ने किया हो, अगर वो डील कर रहा है किसी पर्सन से, अगर वैसा पर्सन जो है इफ अ पर्सन इज इन फैक्ट हैज़ नो अथॉरिटी टू एक्ट फॉर द एलएलपी इन डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट। अगर वैसा पार्टनर जो है ना उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है वो एलएलपी के बिहाफ में वो एक्ट करने के लिए, टू एक्ट फॉर द एलएलपी इन डूइंग पर्टिकुलर एक्ट, उसकी पास कोई अथॉरिटी नहीं है। सब सेक्शन बी जो है इसका क्लॉज बी ये बोल रहा है कि द पर्सन नोज दैट ही हैज़ नो अथॉरिटी और डज नॉट नो ही बिलीव्स हिम टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी। तो वैसा पर्सन जो है ना उसको पता है कि उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है और उसको या तो नहीं पता था या उसको बिलीव था कि वो पार्टनर बन सकता है एक एलएलपी का, यानी कि फर्स्ट में बोल रहा है उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं था और दूसरे में बोल रहा है कि उसको पता है कि उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है और या तो उसको नहीं पता है या वो बिलीव करता है कि वो एलएलपी का पार्टनर है। तो वैसा तो क्या होगा, तो वो बाउंड नहीं होगा अगर पार्टनर ने कुछ भी किया हो, तो इन दोनों केस में वो बाउंड नहीं होगा। अगर पार्टनर ने कुछ भी किया ले और उसके पास अथॉरिटी नहीं था एलएलपी के द्वारा, या उसके पास नहीं था, उसको पता भी था कि उसके पास नहीं है, या उसको नहीं भी पता था, फिर भी उसकी लायबिलिटी जो है एलएलपी की लायबिलिटी यहाँ नहीं बनती है। सबसेक्शन 2 बोल रहा है कि जो एलएलपी है वो लायबल हो जाएंगे अगर कोई पार्टनर है एलएलपी का, वो लायबल है किसी भी पर्सन के को एज अ रिजल्ट ऑफ रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑन हिज पार्ट इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ एलएलपी और विद इट्स अथॉरिटी। जो एलएलपी है वो लायबल होंगे अगर कोई पार्टनर जो है एलएलपी का वो लायबल हो रहा है किसी भी पर्सन को एज अ रिजल्ट ऑफ रॉन्गफुल एक्ट, अगर उसने अगर रॉन्गफुल एक्ट किया है या ओमिशन किया अपने पार्ट में बिजनेस के दौरान, तो एलएलपी भी लायबल हो जाएगा अपने पार्टनर के एक्ट की वजह से। सबसेक्शन 3 बोल रहा है कि कोई ऑब्लिगेशन है एलएलपी का, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हो या अदरवाइज हो,
तो वो है वो सोल्ली ऑब्लिगेशन होगी एलएलपी की। देन सबसेक्शन 4 बोल रहा है जो लाइबिलिटीज होते हैं ना एलएलपी की वो शेल बी मेट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एलएलपी। तो वो जो लाइबिलिटी है वो कैसे मीट आउट करने पड़ेंगे, एलएलपी के प्रॉपर्टी से मीट आउट करने पड़ेंगे, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 28 जो बोल रहा है एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर के बारे में। तो पार्टनर की लाइबिलिटी कितने एक्सटेंट तक होगी, तो कोई पार्टनर है वो पर्सनली लाइबल नहीं होगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर एन ऑब्लिगेशन रेफर टू इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 27 सोली बाय रीजन ऑफ बींग अ पार्टनर ऑफ एलएलपी। यानी कि कोई पार्टनर है वो पर्सनली लाइबल नहीं होगा चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो किसी भी ऑब्लिगेशन के लिए जो कि सेक्शन नंबर 27 के सबसेक्शन 3 में रेफर कर रहा है, और बस इस रीज़न के लिए कि बींग अ पार्टनर ऑफ कि वो पार्टनर एलएलपी की, ठीक है, तो वो पर्सनली लाइबल नहीं होगा बस इस रीज़न से कि वो एलएलपी का पार्टनर है। देन सबसेक्शन 2 बोल रहा है जो भी प्रोविज़न है सेक्शन 27 के सबसेक्शन 3 में या सबसेक्शन 1 में सेक्शन के, ठीक है, इस सेक्शन के सेक्शन नंबर 1 में सबसेक्शन 1 में या 27 के सबसेक्शन 3 में, ठीक है, वो इफेक्ट नहीं करेगा पर्सनल लाइबिलिटी किसी पार्टनर का अपने रॉन्गफुल एक्ट के लिए या ओमिशन के लिए। लेकिन कोई पार्टनर जो है ना वो पर्सनली लाइबल नहीं होंगे रॉन्गफुल एक्ट के या ओमिशन के लिए किसी अदर पार्टनर के, एलएलपी के अदर पार्टनर ने रॉन्गफुल एक्ट किया या ओमिशन किया उसके लिए पार्टनर जो है लाइबल नहीं होगा। तो जो प्रोविज़न है सेक्शन 27 के सबसेक्शन 3 में या इस सेक्शन के 28 के सबसेक्शन 1 में वो इफेक्ट नहीं करेगा किसी पार्टनर के पर्सनल लाइबिलिटी को, इसलिए क्योंकि उसने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया या ओमिशन किया। लेकिन जो पार्टनर है ना वो पर्सनली लाइबल नहीं होगा कोई भी रॉन्गफुल एक्ट के लिए या रॉन्गफुल ओमिशन के लिए बाय अदर पार्टनर ऑफ एल। यानी कि वो जो पर्सन है वो अपने रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन के लिए लाइबल होगा, दूसरे पार्टनर के लिए जो है वो लाइबिलिटी नहीं होगी। यानी कि एलएलपी के बीच लाइबिलिटी है अपने रॉन्गफुल एक्ट के लिए होगी, अदर पार्टनर के रॉन्गफुल एक्ट के लिए जो है वो लाइबिलिटी नहीं होगी। एक दूसरे के मतलब आप समझिए म्यूचुअल पार्टनरशिप यहाँ नहीं होती है, तो एक दूसरे की लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी दूसरे पार्टनर के एक्ट की वजह से, लेकिन एलएलपी का जो है उससे अराइज हो जाएगी। जेन जो है सेक्शन नंबर 29 होल्डिंग आउट के बारे में बात कर रहा है। तो होल्डिंग आउट मतलब क्या होता है, ख़त्म होने के बाद भी अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो उस चीज़ को तो माना जाएगा कि इस डीम टू बी एलएलपी अग्रीमेंट और समथिंग जो भी है, ठीक है। तो सबसेक्शन 1 में बोल रहा है कि कोई पर्सन है हु इज़ बाउंड बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन बाय कंडक्ट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और नोइंग परमिट हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी। उसको पता है कि उसको रिप्रेजेंट हो रहा है वो एज अ पार्टनर, लेकिन रियलिटी में वो पार्टनर नहीं है, तो वो लाइबल हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई पर्सन जो है उस पर विश्वास करके उस रिप्रेजेंटेशन पे विश्वास करके कुछ क्रेडिट दे देता है एलएलपी को, ठीक है, वेदर द पर्सन रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ और रिप्रेजेंटेड बाय अ पार्टनर डज नॉट नो दैट रिप्रेजेंटेशन एट रीज द पर्सन सो गिविंग क्रेडिट। भले उस पर्सन को रिप्रेजेंटेशन जिसने दिया है रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन उसको नहीं पता हो कि उसके रिप्रेजेंटेशन के कारण उसने कुछ एलएलपी को क्रेडिट दे दिया अदर पर्सन ने, तो उसकी पनिशमेंट यहाँ बनती है। बट प्रोवाइजो दिया है कि जब कोई क्रेडिट रिसीव किया जाता है एलएलपी के द्वारा एज अ रिजल्ट ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, उस रिप्रेजेंटेशन के रिजल्ट से रिसीव कर रहा है कोई क्रेडिट एलएलपी, तो एलएलपी जो है वो भी विदाउट प्रेजुडाइज टू द लाइबिलिटी ऑफ द पर्सन सो रिप्रेजेंटेटिंग हिमसेल्फ और रिप्रेजेंटेड टू बी अ पार्टनर बी लाइबल टू द एक्सटेंट ऑफ क्रेडिट रिसीव बाय इट एंड एनी अदर फाइनेंशियल बेनिफिट डिराइव्ड अराउंड। यानी कि जिस पर्सन ने रिप्रेजेंट किया रॉन्ग वो तो लाइबल होगा ही होगा, लेकिन अगर कोई एलएलपी है जिसने कोई रिसीव किया क्रेडिट और उसको पता था वो रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन के कारण उसको ये क्रेडिट मिल रहा है और उसने फिर भी रिसीव किया, तो उसकी भी लाइबिलिटी बनेगी उस एक्सटेंट तक जितनी कि उसने क्रेडिट रिसीव की है। फिर सबसेक्शन 2 बोल रहा है जहाँ आफ्टर अ पार्टनर्स डेथ द बिजनेस इज कंटिन्यू इन द सेम एलएलपी नेम। जहाँ पार्टनर की डेथ हो गई है और बिजनेस को कंटिन्यू किया जा रहा है उसी नाम में जो नाम में वो पहले कंटिन्यू हो रहा था डेथ से पहले, ठीक है, डिसीज पर्सन के नेम पे एज अ पार्ट देयर ऑन एंड शेल नॉट इन इट्सेल्फ मेक हिज रिप्रेजेंटेशन और लीगल रिप्रेजेंटेटिव और हिज स्टेट लाइबल फॉर एनी एक्ट ऑफ एलएलपी डन आफ्टर हिज डेथ। भले ही उसके नाम रखा हो उसका नाम रिटेन किया हो उसके डेथ के बाद भी, लेकिन उसकी कोई लाइबिलिटी वहाँ पे नहीं बनेगी उस पार्टनर की जिसकी डेथ हो गई है, ठीक है।
फिर आता है हमारा सब सेक्शन नंबर 30, और इसमें 2021 में एक अमेंडमेंट भी आई है। तो चलिए देखते हैं पहले सेक्शन क्या बोलता है। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड, अब फ्रॉड के केस में आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होगी, अनलिमिटेड हो जाएगी आपकी लाइबिलिटी। तो वैसे इवेंट में कोई एक्ट कैरी आउट किया गया LLP के द्वारा या उसके पार्टनर के द्वारा इस इंटेंट से किया गया हो कि क्रेडिटर को डिफ्रॉड करेंगे हम, ठीक है, LLP के जो भी क्रेडिटर है उसको डिफ्रॉड करेंगे या किसी अदर पर्सन को डिफ्रॉड करेंगे, ठीक है, और फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए किया हो, तो लाइबिलिटी जो है LLP की या उसके पार्टनर की, जिसने भी ये फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से वो एक्ट किया हो कि वो क्रेडिटर को जो है डिफ्रॉड करना चाहता है किसी फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी सारे डेट के लिए और किसी भी डेट के लिए, किसी भी अदर लाइबिलिटी के लिए जो भी LLP की है। प्रोवाइजो बोल रहा है वैसे केस में कोई एक्ट किया कैरी आउट किया गया हो किसी पार्टनर के द्वारा, तो LLP भी लाइबल होगी उस सेम एक्सटेंट तक जितनी की पार्टनर हो रही है, अनलेस इट इज एस्टेब्लिश बाय द LLP डेट सच एक्ट वॉज विदाउट द नॉलेज एंड अथॉरिटी ऑफ LLP, ठीक है, उसकी भी लाइबिलिटी बन जाएगी, LLP की भी लाइबिलिटी बन जाएगी। लेकिन उसको अगर उसके पास रीजनेबल एक्सक्यूज़ है कि उसके पास नॉलेज नहीं था, तो फिर उस लाइबिलिटी से वो बच सकता है, कौन, LLP बच सकता है, ठीक है। सब सेक्शन 2 बोल रहा है जहाँ कोई बिजनेस कैरीड ऑन किया गया हो विथ सच इंटेंट और सच पर्पस एज इज मैंशन इन सब सेक्शन 1, ठीक है, तो जितने भी पर्सन है ना हु वॉज नोइंगली अ पार्टी टू द कैरिंग ऑन अ बिजनेस इन द मैनर अफोर्सेड, उनको पनिशमेंट मिलेगी इम्प्रिजनमेंट की, और वो कितनी होगी, 2 साल, और विथ फाइन विच शेल नॉट बी लेस देन 50,000 रुपीज़ बट विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज़। अब अमेंडमेंट भी इस चीज़ में ही आई है। तो जब कोई बिजनेस कैरीड आउट किया जा रहा है इस इंटेंस से, जो कि सबसेक्शन 1 में बोला गया, यानी कि फ्रॉड करने के इंटेंशन से, तो जितने भी पर्सन जिनको पता था उस बिजनेस को कैरीड आउट करने के करते टाइम कि वो फ्रॉडलैंड पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है, तो उनकी लाइबिलिटी जो है 2 ईयर्स तक, जो कि अब चेंज होकर 5 ईयर्स हो गया है 2021 के अमेंडमेंट के बाद, यहाँ 5 ईयर्स हो गया है, 2 ईयर्स अब जो है लाइबिलिटी नहीं है, 5 ईयर्स है, एंड देन जो है फाइन जो है 50,000 से लेस नहीं होगी, जो कि 5 लाख तक हो सकती है। फिर सब सेक्शन 3 बोल रहा है जहाँ कोई LLP या पार्टनर जो भी है या डिजिग्नेटेड पार्टनर है जो एम्प्लॉई है उस LLP के, उन्होंने कंडक्ट किया फेयर LLP की फ्रॉडुलेंट मैनर में, ठीक है, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो जो चलनी है वो चलेगी ही उनके द्वारा, ठीक है। LLP या कोई दूसरे पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर या एम्प्लॉय जो है ना वो लाइबल भी हो जाएंगे कंपनसेशन के लिए, जो भी लॉस या डैमेज सफ़र हुआ है अदर पर्सन को उस कंडक्ट के द्वारा, उसके लिए भी लाइबिलिटी मिल जाएगी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के एडिशन में। प्रोवाइजो बोल रहा है कि जब वैसे लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है शैल नॉट बी लाइबल इफ सच पर्सन सच पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर और एम्प्लॉय हैज़ एक्टेड फ्रॉडुलेंटली विदाउट न नॉलेज ऑफ LLP, जब जो है LLP के नॉलेज में ये नहीं होगा तो उसकी लाइबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया सेक्शन नंबर 30। अब सेक्शन नंबर 31 बोल रहा है विसल ब्लोअर के बारे में, विसल ब्लोइंग के बारे में। तो बेसिकली विसल ब्लोइंग क्या होता है, तो वैसा पार्टनर जिसने जो है कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी अगर पार्टनर LLP के अंदर हो रही है और उसने आके जो है ये गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दिया कि ऐसी चीज़ें जो है हमारे LLP के अंदर हो रही है, तो वैसे पर्सन को विसल ब्लोअर बोलते हैं। बट उसने अच्छा काम किया होता है इसलिए उसकी जो लाइबिलिटी रिड्यूस हो सकती है, तो जो कोर्ट है या ट्रिब्यूनल है वो रिड्यूस कर सकता है या वेव भी कर सकता है कोई भी पेनल्टी जो भी लेवी की गई है ऐसे पार्टनर पे, एम्प्लॉई पे किसी LLP की, अगर उसने सेटिस्फाई कर दिया कि वैसा पार्टनर या एम्प्लॉई जो LLP का, उसने यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दिया है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, वैसे LLP के इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर उसने यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दिया है, और जब वो इन्फॉर्मेशन दिया गया उस पार्टनर के द्वारा या एम्प्लॉई के द्वारा इन्वेस्टिगेशन में दिया गया हो या ना दिया गया हो, उसके कारण LLP या पार्टनर या एम्प्लॉई जो है उस LLP के, उनको कन्विक्ट किया गया इस एक्ट के अंदर, तो इन दोनों केसेस में वो विसल ब्लोअर कहला गया और उसकी लाइबिलिटी जो है कोर्ट या ट्रिब्यूनल रिड्यूस कर सकती है, वेव भी कर सकती है। सबसेक्शन 2 बोल रहा है कि कोई पार्टनर या एम्प्लॉय जो है LLP के, वो डिस्चार्ज किए जा सकते हैं, डिमोटेड भी किए जा सकते हैं, सस्पेंडेड भी किए जा सकते हैं, थ्रेटन भी किया जा सकता है, हरास भी किया जा सकता है किसी भी मैनर में, ठीक है,
डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ हिज LLP और एम्प्लॉयमेंट मेयरली बिकॉज ऑफ हिज इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग और कॉज इंफॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड पर्सुएंट टू सेक्शन नंबर 1। यानी कि सिंपली बोल रहा है कि अगर किसी पर्सन ने विसल ब्लोअर किया यानी कि वो विसल ब्लोअर बन गया तो उसके पास तो खतरा हो सकता है। अगर वो एम्प्लॉई हो तो उसकी जॉब जा सकती है, वो पार्टनर है तो उसको पार्टनरशिप से हटाया जा सकता है LLP के, या जो भी पर्सन है उसको हटाया जा सकता है क्योंकि उसने यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो है वो दे दी गवर्नमेंट को। तो वैसे केस में क्या है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट ये प्रोविज़न दे दिया है कि ऐसे पर्सन को ना ही डिमोट कर सकते हैं आप, ना ही डिस्चार्ज कर सकते हैं, ना ही थ्रेट कर सकते हैं, ना ही सस्पेंड कर सकते हैं, ना ही हरास कर सकते हैं किसी भी मैनर में, क्योंकि उसने इन्फॉर्मेशन जो है डिस्क्लोज किया हो तो उसको यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा सेक्शन नंबर 31 भी कंप्लीट होता है। अब जो है आज ही मैं कोशिश करूँगी कि डाल दूँ अपना नेक्स्ट लेक्चर भी जो कि चैप्टर 6 पे है कॉन्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग। तो सेक्शन नंबर 31 तक मैंने अच्छे से डिस्कस कर लिया है, तो आपका ये काम है कि आप अच्छे से इन चारों लेक्चर को मल्टीपल रिवाइज कीजिए, स्पीड बढ़ा के रिवाइज कर सकते हैं। 30 मिनट से कोई भी लेक्चर बड़ा नहीं है तो आप तुरंत कर लेंगे ख़त्म। मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए क्योंकि आज तक जो मैंने अभी तक जो भी लेक्चर दे दिए ना, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से बनने हैं क्योंकि मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न था यहाँ तक कवर हो गया है। फिर भी मैं आपके बाकी चीज़ें भी ला दूँगी क्योंकि ये DJS है तो हम छोड़ के कुछ भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। सो दिस इज़ एडवोकेट ट्विंकल जा साइनिंग ऑफ टुडे सेशन। थैंक यू।